कहानी की शुरुआत एक मंदिर से होती है जहाँ पर ऐसे लोग पूजा करने आए थे जिनको बच्चा नहीं हो रहा था और इसलिए कई लोग मंदिर की सीढ़ियों पर घुटने से चढ़कर उसे पार कर रहे थे। वहीं पर हमारी कहानी की मेन लीड वेलेरिया को हम देखते हैं जो कि बच्चे की उम्मीद में उसी मंदिर में आई हुई थी। वेलेरिया कई सालों से अपने हस्बैंड रोहल के साथ में बच्चा पैदा करने का ट्राई कर रही थी लेकिन हर बार वो दोनों फेल हो रहे थे, तो इसलिए इस बार वो अपने ग्रैंड मदर इजाबेल और अपनी माँ नॉर्मा के कहने पर इस मंदिर में पूजा करने आई थी। सीन कट होता है और मूवी के अगले सीन में हम ब्लैंकेट में लिपटी हुई एक लेडी को आग में जिंदा जलते हुए देखते हैं। तो अब इसका क्या मतलब था ये हमें आगे पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। दूसरी तरफ हम वेलेरिया और रोहल को देखते हैं जो कि सिर्फ बच्चे के लिए ही इंटीमेट हो रहे थे। पहले दोनों प्यार में इंटीमेट हुआ करते थे लेकिन अब दोनों बच्चे के लिए बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे थे। दोनों के बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से रह रहे थे और दोनों को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें बच्चा जरूर होगा। वेलेरिया कारपेंटर थी जो कि अपने घर के ही एक रूम में अपना काम करती थी और रोहल अपने काम के लिए दिन भर बाहर रहा करता था। फिर एक दिन अपना काम खत्म करने के बाद में वेलेरिया हॉस्पिटल जाती है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए। वो जब तक रोहल घर पर नहीं आता वो रिपोर्ट को खुलकर नहीं देखती है। फिर रोहल के आने के बाद में दोनों उस रिपोर्ट को ओपन करते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक वेलेरिया प्रेग्नेंट थी और इस बात से दोनों बहुत ही खुश थे। फिर अगले दिन वेलेरिया जब काम कर रही थी तो वो एक स्पाइडर को देखती है और उसे देखने के चक्कर में वेलेरिया किसी तरीके से चोट लगने से बच जाती है लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि असल में वहां पर कोई स्पाइडर थी ही नहीं। फिर इसके पर में वेलेरिया रोहल और रोहल की माँ उन्हें एक साथ बेबी की शॉपिंग करने जाते हैं। वहां पर उन्हें को अपने होने वाले ग्रैंड चाइल्ड के लिए एक बेबी बेड पसंद आता है। वेलेरिया उस बेड को नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसे वो बेड बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो इसलिए रोहल को भी मना करती है लेकिन रोहल और उन्हें उसकी बात को इग्नोर करके उसी बेबी बेड को ले लेते हैं। फिर इसके बाद वेलेरिया और रोहल डॉक्टर के पास में जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि वेलेरिया 2 हफ्तों से प्रेग्नेंट है और उनका बेबी भी हेल्दी है। लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद से वेलेरिया को खाने खाने का ज़्यादा मन नहीं करता था और इसलिए डॉक्टर वेलेरिया को अपना कारपेंटर का काम बच्चा पैदा होने तक बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि इससे वेलेरिया को ज़्यादा स्ट्रेस और थकान होगी और बेबी के लिए ठीक नहीं होगा। उनकी बातें मानकर वेलेरिया अपना कारपेंटर का काम छोड़ने का डिसाइड करती है लेकिन उससे पहले वो अपने बेबी के लिए उस बेड को अपने हिसाब से मॉडिफाई करती है जो उसकी मदर इन लॉ उन्होंने उसे गिफ्ट किया था। वेलेरिया को बहुत बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसे अपना काम अपने होने वाले बच्चे के लिए छोड़ना पड़ेगा, ऊपर से उसकी वर्कशॉप को भी उसके बेबी का रूम बनाया जाएगा। उसी दिन वेलेरिया और रोहल मदर्स डे के दिन वेलेरिया के पेरेंट्स के घर पर जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ वेलेरिया की सिस्टर वेरो को छोड़कर सभी लोग वेलेरिया की प्रेगनेंसी से बहुत ही खुश थे। बचपन से वेलेरिया और वेरो की नहीं बनती थी और अब वेरो के बच्चे भी वेलेरिया को पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि खाने की टेबल पर भी वेरो वेलेरिया की इंसल्ट कर रही थी, वो भी उसके पति रोहल के सामने उसकी पुरानी बातों को कहकर। वेरो यहाँ पर वेलेरिया को जता रही थी कि वो माँ बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। वेरो सारी बातें मजाक में कह रही थी तो इसलिए सभी को लगता है कि वो मजाक कर रही है, तो सभी वेलेरिया के ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं सोच रहा था कि वेलेरिया को इस बात से कितना बुरा लग रहा होगा। सिर्फ वेलेरिया की ग्रैंड मदर ही ऐसी थी जो कि वेलेरिया की मन की बात जानकर वहाँ पर सबको चुप कराती है। कुछ देर के बाद में वेलेरिया बाथरूम में जाती है और अपनी उंगलियों को क्रैक करने लगती है। वो जब भी टेंशन में होती थी तो वो अपने फिंगर्स को क्रैक करती थी। तभी उसके पास उसकी ग्रैंड मदर आती है जो उसे फैमिली मेंबर की बातों को इग्नोर करके खुश रहने को कहती है। फिर अब जब वेलेरिया और रोहल अपने पेरेंट के घर से वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में वेलेरिया की चाइल्डहुड फ्रेंड नटालिया दिखाई देती है। वेलेरिया और नटालिया एक दूसरे को देखकर बहुत ही इमोशनल होते हैं क्योंकि दोनों बहुत सालों के बाद मिल रहे थे। नटालिया ने अभी भी शादी नहीं की थी और वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रही थी। दोनों एक दूसरे से फिर से मिलने का वादा करके अपने अपना रास्ता चले जाते हैं। फिर उसी रात को वेलेरिया को नींद नहीं आ रही थी तो इसीलिए वो हवा खाने के लिए विंडो के पास में खड़ी होती है। तभी वो नोटिस करती है कि पास के विंडो से एक लेडी उसे ही देख रही है। उसे देखकर वेलेरिया अपना हाथ हिलाती है कि तभी वो लेडी अजीब तरीके से अपनी बोन्स को क्रैक करने लगती है और अचानक से वो लेडी फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद जाती है जिससे कि उस लेडी के पैरों की हड्डी टूट जाती है। यहाँ तक कि कुछ बोन्स उसकी बॉडी से टूट कर बाहर निकल गई थी लेकिन फिर भी वो लेडी मरती नहीं है। वो रेंगते हुए वेलेरिया के घर की तरफ आने लगती है जिस वजह से वेलेरिया भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोहल को वहाँ पर बुलाकर इस बारे में बताती है।
लेकिन जब दोनों बिल्डिंग के नीचे देखते हैं तो वहां से उसे कोई भी नजर नहीं आता है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद में रॉल वेलेरिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वेलेरिया ने काफ़ी वेट लॉस कर दिया है और ऊपर से उसे एनीमिया भी है, क्योंकि वेलेरिया बहुत दिनों से खाना ठीक से नहीं खा रही थी। अगर रॉल भी उसके लिए कुछ खाना बनाता था तो वेलेरिया उस खाने को बिना खाए फेंक दिया करती थी। ये सभी सिम्टम उनके बेबी के लिए ठीक नहीं थे, तो इसलिए डॉक्टर वेलेरिया को टेंशन कम करके नॉर्मल रहने के लिए कहता है। फिर घर आने के बाद में वेलेरिया अपने कारपेंटिंग के सभी सामान को एक बॉक्स में बंद कर देती है और अपने स्टूडियो को बेबी रूम बनाने लगती है। फिर रात होते ही वेलेरिया और रॉल मेकआउट कर रहे थे। वेलेरिया इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन रॉल उसे मना कर देता है कि ऐसे समय में वो उससे इंटीमेट होकर उसके बेबी की हेल्थ को खतरे में नहीं डाल सकता है। इस बात से वेलेरिया को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद में वेलेरिया को बहुत सी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। अब अगले दिन रात को भी वेलेरिया को नींद नहीं आ रही थी, तभी उसे घर के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो डोर को खोलकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। तब वो स्टेयर्स के नीचे जाकर देखने लगती है कि कोई डोर नॉक करके भाग तो नहीं गया है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो लेडी ज़मीन पर रेंगते हुए वेलेरिया के घर के अंदर घुस गई है और उसने डोर को अंदर से बंद कर दिया है। उस लेडी की बोन्स अभी भी टूटी हुई थी, और मूवी में आगे कन्फ्यूज़न नहीं हो तो इसलिए अब से हम इस लेडी को बोन वुमन कहेंगे। अब इस तरीके से दरवाज़ा बंद होने के कारण वेलेरिया बहुत डर जाती है। वो रोल को बुलाने लगती है और रोल आकर दरवाज़ा खोलता है और वेलेरिया को घर के अंदर लाता है। रोल भी इस बात से शॉक्ड था कि वेलेरिया कैसे घर के बाहर लॉक्ड हो गई। वेलेरिया उसे सारी बातें बताती है और उसे ऐसा लग रहा था कि घर में कोई घुस गया है, लेकिन रोल वेलेरिया के किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है। रोल के मुताबिक विंडो ओपन थी, तो इसलिए हवा की वजह से वो डोर अपने आप लॉक हो गया होगा। अगले दिन सब इंसिडेंट की वजह से वेलेरिया अपने ग्रैंड मदर इजाबेल के साथ में एक ओझा के पास में जाती है, जो कि ब्लैक मैजिक वगैरह किया करती थी। ओझा के आने तक दोनों बाहर ही बैठकर बातें कर रहे थे, तभी इजाबेल को अपनी फ्रेंड्स दिखाई देती है, जिनके साथ में वो बातें करने लगती है। उनसे मिलकर इजाबेल बहुत खुश थी, और उसके कुछ फ्रेंड्स अभी भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे थे और खुश थे, लेकिन इजाबेल फैमिली में फंसकर खुद के बारे में सोचना ही भूल गई थी। उसको देखकर वेलेरिया को भी अपने फ्रेंड्स बहुत याद आते हैं, जिनसे वो बहुत सालों से नहीं मिली थी। तभी वहाँ पर वही ओझा आती है, जो कि वेलेरिया को अंदर एक रूम में लेकर जाती है। वहाँ पर वो ओझा कुछ मंत्रों से वेलेरिया के ऊपर एक रिचुअल करती है और उसे बताती है कि उसका होने वाला बेबी बहुत ही हेल्दी है, और अब वेलेरिया की तरफ से सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर उसकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी तो वो उसके लिए एक बड़ा रिचुअल करेगी। वेलेरिया उस रिचुअल को अभी करना चाहती थी, लेकिन वो ओझा उसके प्रेग्नेंट होने के समय पर इस रिचुअल को नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए वेलेरिया वहाँ से चली जाती है। फिर इसके कुछ दिनों तक वेलेरिया नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी। उसका हस्बैंड भी वेलेरिया के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। वेलेरिया ने भी बेबी रूम को खुद से डिज़ाइन किया और उसने बेबी के लिए एक ब्लैंकेट भी बनाया था। वेलेरिया का वेट भी अब नॉर्मल हो चुका था, और एक दिन जब वेलेरिया का अल्ट्रासाउंड चल रहा था तो रोल और डॉक्टर दोनों ही वेलेरिया के बेबी को देख पा रहे थे, लेकिन वेलेरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस बेबी का सिर कहाँ है और पैर कहाँ है। वो जैसे अपने बेबी को नहीं फील कर पा रही थी। अगले दिन जब वेलेरिया सो रही थी तो उसे एक ऐसा सपना आता है कि वो बोन वुमेन उसके घर में रेंगते हुए घूम रही है और उसने वेलेरिया के पैर को मरोड़ दिया है। वो डरकर अपनी नींद से उठती है और उसकी आवाज़ सुनकर रोल भी वहाँ पर वेलेरिया के पैर को देखता है, लेकिन वेलेरिया का पैर टूटा नहीं था, बस सोते समय उसके पैर में मोच आ गई थी, और उसके सपने में जो कुछ भी हुआ था उसे बिल्कुल हकीकत लग रहा था। उसे सच में लग रहा था कि उस बोन वुमेन ने ही उसके पैर की हालत की है। अब इन्हीं बातों को सोचते सोचते वेलेरिया अपने पास्ट को याद करती है, जब वो अपने दोस्तों के साथ में आज़ादी की लाइफ को जी रही थी, और तब वो बहुत खुश भी थी। उस समय पर वेलेरिया और नटालिया रिलेशनशिप में थे और उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी था। नटालिया सिटी छोड़कर माउंटेंस में रहने के लिए जाना चाहती थी और वो अपने साथ में वेलेरिया को भी ले जाना चाहती थी, लेकिन उस समय पर वेलेरिया नटालिया के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वेलेरिया के भाई की डेथ हुई थी और इस समय वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहती थी। इस बात से नटालिया वेलेरिया से नाराज़ होती है, लेकिन वो वेलेरिया को फोर्स नहीं करती है कि वो उसके साथ में चले, और इसी वजह से इतने सालों तक वेलेरिया और नटालिया के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था। उसके बाद शाम के समय वेलेरिया नटालिया से मिलने आती है। नटालिया उसे अपने घर लाती है और वेलेरिया नटालिया के सामानों को देखने लगती है। सालों पहले दोनों की पसंद एक जैसी थी, दोनों एक जैसी बुक्स, आर्ट और सीडी पसंद करती थी, लेकिन वेलेरिया की पसंद बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी थी।
और ऐसा लग रहा था कि वो अब एक फेक लाइफ को जी रही है। नटालिया भी उसे यह एडवाइस देती है कि उसे जिस चीज़ में खुशी मिलती है उसे वही करना चाहिए और दूसरों से ज़्यादा उसे अपने लिए जीना चाहिए। यहाँ पर वेलिरिया को नटालिया से पता चलता है कि वो कुछ ही दिनों में सिटी से दूर माउंटेन्स पर रहने के लिए जाने वाली है। वहाँ पर वो फॉरेस्ट के बीच में अपना घर बनाएगी और यही नटालिया का सपना था। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं, क्योंकि सालों के बाद में भी दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप को नहीं भूले थे। अगले दिन वेलिरिया अपने पेरेंट के घर पर जाती है और उसके पेरेंट और उसकी सिस्टर एक पार्टी में जाने वाले थे, तो इसलिए वेलिरिया को उसके सिस्टर के बच्चों की बेबी सीटिंग करना थी। बेबी सीटिंग के नाम से वेलिरिया बहुत ही टेंशन में आ जाती है। ऊपर से उसके सिस्टर के बच्चे उसे ज़रा भी पसंद नहीं करते थे और ना ही वो उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और टेंशन में वो अपने फिंगर्स को क्रैक करने लगती है, और फिंगर्स को क्रैक करना वेलिरिया की एक आदत बन चुकी थी। उसके फादर उसे एक अलार्म डिवाइस देकर जाते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वेलिरिया उस डिवाइस से अपने नेबर को बुला सकती है। उनके जाने के बाद में वेलिरिया बहुत कोशिश करती है कि वो बच्चों से दोस्ती बनाए, लेकिन बच्चे उसकी बात बात पर इंसल्ट कर रहे थे और वेलिरिया उनको जो भी करने को कह रही थी वो बच्चे उसका अपोजिट काम कर रहे थे। इस वजह से वेलिरिया को बहुत बुरा लगता है और बाथरूम में जाकर रोने लगती है और अपने फिंगर्स को भी क्रैक करती है। इस चक्कर में उसकी एक फिंगर पर चोट आ जाती है। तभी वो विंडो में बोन व्यूमन की शेडो देखती है और उसे ऐसा लगता है कि वो घर में घुस आई है। डर के मारे वेलिरिया जल्दी जल्दी बच्चों को ऊपर के रूम में ले जाती है और डोर को लॉक कर देती है। उसकी हरकत से बच्चे भी डर जाते हैं और ऊपर से दोनों बच्चों को चोट भी लग चुकी थी। उसे बोन वूमेन की शेडो नज़र तो आ रही थी, लेकिन बच्चों को कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तब वेलिरिया तुरंत नेबर्स को बुलाती है और कुछ टाइम बाद उसके पेरेंट भी घर पर आ जाते हैं। पूरा घर चेक करने के बाद भी घर में किसी के घुसने के कोई सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन उनका डॉग अपनी रस्सी में फरकर मारा जा चुका था। वेलिरिया उनसे बार बार कह रही थी कि कोई घर में घुसा है और उसी ने उनके डॉग को मारा होगा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। ऊपर से उसकी बहन वेरो भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि बच्चों को उसकी वजह से चोट लग गई थी। वेरो तो उसे ये तक कह देती है कि वो माँ बनने के लायक नहीं है। इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा होता है और वेलिरिया गुस्से में नटालिया के घर चली जाती है और अपने घर पर नटालिया वेलिरिया को कम्फर्ट करती है। सीन कट होता है और अगले दिन रोल का बॉस और उनकी वाइफ डिनर पर उनके घर पर आते हैं, जहाँ पर रोल वेलिरिया को अकेले एक रूम में ले जाकर कहता है कि गेस्ट के जाने के बाद में अब वो उसके और नटालिया के बीच क्या रिलेशनशिप चल रहा है ये जानना चाहता है, और ये भी नहीं चाहता है कि वेलिरिया गेस्ट के सामने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करें। कल की सारी बात वेलिरिया की माँ और सिस्टर ने रोल को बता दी थी और उन बातों को लेकर भी रोल वेलिरिया से गुस्सा था। रोल की बातें सुनकर वेलिरिया बहुत नर्वस फील कर रही थी, लेकिन वो खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश भी करती है। वो गेस्ट के सामने डाइनिंग टेबल पर एक स्पाइडर को हेलुसिनेट कर रही थी। उसका बिहेवियर गेस्ट को बहुत ही अजीब लगता है, तो इसलिए वेलिरिया बेबी रूम में जाकर स्मोक करने लगती है। तभी वो देखती है कि उस बोन वूमन ने उसके बेबी बेड की एक लकड़ी तोड़ दी है। ये देखकर वो रूम के बाहर आती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर रोल और गेस्ट उसके पास में आते हैं। उनको रूम से जलने की स्मेल भी आ रही थी और जब रोल दरवाज़ा खोलकर देखता है तो बेबी बेड में आग लग चुकी थी और सही समय पर वो उस आग को बुझा देता है और उनका पूरा घर जलने से बच जाता है। वेलिरिया रोल को बार बार उसी बोन वूमन के बारे में बता रही थी, लेकिन रोल उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। अब अगले दिन रोल के कहने पर उसकी माँ नॉर्मा उनके घर पर आती है, और अब से डिलीवरी होने तक नॉर्मा हर समय वेलिरिया के साथ में रहने वाली थी। कुछ दिनों तक नॉर्मा बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखती है और उसे प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाले चेंजेस के बारे में बताती है। अब इसके बाद में वेलिरिया अपनी सारी पुरानी चीज़ें, अपना गिटार रोल को फेंकने के लिए दे देती है ताकि रोल उसे नाराज़ न रहे। रोल भी अब वेलिरिया से अच्छे से बातें कर रहा था, लेकिन फिर भी एक दिन वेलिरिया नटालिया से मिलने के लिए एक क्लब में जाती है ताकि उसको थोड़ा अच्छा फील हो। लेकिन यहाँ पर नटालिया वेलिरिया से उसका फाइनल डिसीजन पूछती है कि वो उसके साथ अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहती है या फिर दूसरों के हिसाब से रोल के साथ में अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहती है। वेलिरिया इस बात को कोई जवाब नहीं दे पाती है और वो अभी भी अपने डिसीजन को लेकर कन्फ्यूज थी। इस बात से वेलिरिया और नटालिया के बीच में झगड़ा हो जाता है और वेलिरिया नटालिया से दूर आकर एक क्लब में डांस करने लगती है। यहाँ पर टेंशन की वजह से वेलिरिया को क्लब में आए लोगों में वो बोन वूमन नजर आने लगती है, जैसे कि सभी लोग अपनी बॉडी के बोन्स को तोड़ रहे थे। डीजे माइक से खुद के ही सर को फोड़ रहा था,
लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ये सब वेलेरिया का हेलुसिनेशन था और इन्हीं हेलुसिनेशन की वजह से वेलेरिया को लेबर पेन होने लगता है और उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद में वेलेरिया एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। सभी उस बेबी गर्ल को लेकर बहुत खुश थे और बेबी होने के बाद किसी ने भी वेलेरिया के बारे में ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और सभी बेबी को लेकर ही बिजी थे, जिसका वेलेरिया को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए उसको भी बेबी को लेकर एक्साइटमेंट नहीं थी। अब सीन कट होता है और कुछ दिन के बाद में वेलेरिया जब ठीक होती है तो रोल अपना ऑफिस जाना कंटिन्यू करता है। घर में बस वेलेरिया और उसका बेबी था और यहाँ पर रोल जिस तरह बेबी का ख्याल रख रहा था, वेलेरिया एक माँ होकर भी बेबी का उतना अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही थी। बेबी कंटिन्यू रो रही थी जिस वजह से वेलेरिया को भी बहुत इरिटेशन हो रही थी, यहाँ तक कि वो बोन वूमन की तरह अपनी बॉडी के बोन को क्रैक कर रही थी। उसके बाद में वेलेरिया बेबी रूम में जाकर बेबी को अपने गोद में लेती है और कुछ टाइम के बाद में हमें बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर में वेलेरिया अपने रूम में आती है और सो जाती है। फिर बहुत देर बाद जब वेलेरिया अपनी नींद से उठती है तो उसे अपने बेबी का ख्याल आता है, लेकिन अब उसे यह तक नहीं पता था कि उसने अपने बेबी को कहाँ पर रख दिया है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने बेबी को विंडो से फेंक दिया होगा। वो विंडो से नीचे देखती है लेकिन नीचे उसे वो बेबी नज़र नहीं आती है। तभी उसे किचन से बेबी के रोने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को फॉलो करके वो किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है, जहाँ पर फ्रिज के अंदर उसे वो बेबी मिलती है। उसे याद भी नहीं था कि उसने बेबी को फ्रिज में रख दिया था। लकीली वो बेबी तो ठीक थी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि वो अपने बेबी के लिए एक खतरा है, तो इसलिए उसे पता लगाना होगा कि आखिर उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए वो ओझा के पास में जाकर सबसे पावरफुल रिचुअल अपने ऊपर करवाने का डिसाइड करती है। ऐसा ही एक रिचुअल सालों पहले उसके ग्रैंड मदर ने भी अपने ऊपर किया था, जिससे उनकी बॉडी का कुछ पार्ट जल गया था। लेकिन फिर भी वेलेरिया पीछे नहीं हटती है और नटालिया और अपने ग्रैंड मदर के साथ ओझा के पास में जाती है। ओझा उन्हें फॉरेस्ट के बीच में बने हुए एक घर में ले आती है, जहाँ पर उसके जैसे चार और ओझा थे जो कि ये रिचुअल मिलकर करने वाले थे। पहले तो वे लोग बेबी को एक प्रोटेक्शन धागे से बांध देते हैं और उसके बाद में पांचों ओझा कुछ मंत्रों से वेलेरिया के ऊपर एक स्पेल करती है। वे लोग एक जगह पर आग जलाते हैं और वेलेरिया का सर पानी में भरे एक बकेट में डालती है। तब कुछ ही सेकंड में वेलेरिया एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। ये घर वही था, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उस घर से बाहर निकलकर वो फिर से जंगल में जाती है, जहाँ पर उसे अपनी बेबी की आवाज़ सुनाई देती है। उन आवाज़ों को फॉलो करने पर उसे अपने बेबी का ब्लैंकेट मिलता है और पास ही में उसे कई सारी नेकेड बोन वुमन नज़र आती है, जिनकी बोन टूटी हुई थी और बेबी से कई सारी बोन्स बाहर भी निकले हुए थे, लेकिन किसी भी बोन वुमन का फेस क्लियर नहीं था। वो सभी बोन वुमेन ज़मीन पर रेंगते हुए वेलेरिया के पास में आती है। वो उसे पकड़ लेती है और साथ ही वे लोग वेलेरिया के हाथ पैर तोड़ने लगते हैं। वेलेरिया बस दर्द में चिल्ला रही थी। सीन कट होता है और कुछ देर के बाद में हम वेलेरिया को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं, जिसकी पूरी बॉडी को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। तभी वहाँ पर वही बोन वुमन आती है जिसने वही ब्लैंकेट पहना हुआ था। जब वेलेरिया उसका फेस देखती है तो उसके फेस को देखकर शॉक्ड थी, क्योंकि वो बोन वुमन और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही थी। अचानक से उस बोन वुमन की बॉडी पर आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है और अब जाकर उसे पूरी सच्चाई समझ आती है। जैसे उसे रियलिटी समझ में आती है तो तुरंत अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है। असल में हुआ यह था कि वेलेरिया को कभी भी एक फैमिली चाहिए नहीं थी। वो तो लेस्बियन थी और नटालिया के साथ माउंटेन पर अपनी पूरी लाइफ को बिताना चाहती थी, लेकिन फैमिली के दबाव में आकर उसे रॉयल के साथ में शादी करनी पड़ी और उसे एक बेबी भी पैदा करना पड़ा, जो कि उसे कभी भी चाहिए ही नहीं था, क्योंकि प्रेग्नेंट होने से लेकर डिलीवरी होने तक उसकी इम्पोर्टेंस और भी कम हो गई थी। सभी को बस बेबी की फिक्र थी और किसी को भी वेलेरिया का दर्द कभी भी नजर नहीं आता था, यहाँ तक कि वेलेरिया को अपनी पसंद का काम भी अपने बेबी की वजह से छोड़ना पड़ा था और इन्हीं वजह से उसका टेंशन इतना बड़ा और टेंशन में वो अपने फिंगर्स को क्रैक करती थी। इस वजह से वो एक बोन वुमन को हेलुसिनेट करने लगी, जो कि उसी के दर्द को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह वो अंदर से टूटी जा रही है, लेकिन उसका दर्द किसी को भी नज़र नहीं आता है। अब प्रेजेंट समय में सच जानने के बाद में वो रोल और बेबी को गुड बाय बोलकर अपने पसंद की चीज़ें और कारपेंटरी का सामान लेकर घर से चली जाती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो अगर अपने सपनों को छोड़कर उनके साथ में रहती
तो उसके डिप्रेशन की वजह से उनको एक खतरा होता, उसका माइंड कभी भी अपने सही स्टेट में नहीं रहता। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके अपने बहुत ही सपने थे और वो एक लेस्बियन थी। वो अपनी एक फ्रेंड नटैला को बहुत ही चाहती थी, लेकिन फैमिली के दबाव में आकर उसने रोल से शादी कर ली, जैसा कि हर नॉर्मल लड़की के साथ में होता है। और जल्दी ही उसे बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स किया गया। उन्हें कई सालों तक तो बच्चा पैदा हो ही नहीं रहा था। और मूवी के स्टार्टिंग हमने देखा कि वे लोग एक मंदिर में गए हैं, जहाँ पर रिचुअल परफॉर्म करने के बाद में उन्हें एक बच्चा पैदा हुआ। वेलेरा की फैमिली कभी भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देती थी और वेलेरा को लेफ्ट आउट फील होता था। वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी कि वो अपने आसपास एक बोन वुमन को इमेजिन करती थी, और जो कुछ भी उसके साथ में हो रहा था वो एक हेलुसिनेशन था। वो जी तो असल ज़िंदगी में रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया बनी हुई थी। और ये सब उसके साथ में इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे कभी भी अपने सपनों को पूरा करने का समय नहीं मिला। शादी से पहले वो कुछ और ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। और वो अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा घुटती गई कि उसे डिप्रेशन होने लगा। लेकिन मूवी के एंड में हमने देखा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने सपनों को पूरा करने गई। तो आपके हिसाब से क्या उसने सही किया या गलत किया, ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।